बता दें कि बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा को लेकर इस समय हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि उनकी ये फिल्म इस समय सिनेमा घरों में लगी हुई है। हालांकि कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को लेकर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। वहीं इसी बीच कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। इसके साथ ही मेकर्स आशिकी 3 के लिए एक और एक्ट्रेस की तलाश में भी है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 के मेकर्स लीड एक्ट्रेस के लिए सारा अली खान को कास्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और अगर सारा अली खान फिल्म आशिकी 3 में नजर आती हैं, तो ये दूसरा मौका होगा जब वे कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी। वहीं इससे पहले दोनों ने साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म लव आजकल में काम किया था। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 के मेकर्स एक और एक्ट्रेस की भी तलाश कर रहे हैं। और साथ ही बताते चले कि इस फिल्म के लिए इससे पहले रश्मिका मंदाना और कीर्ति सैनन सहित कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 का पिछले साल 2022 में अनाउंसमेंट किया गया था, और अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को टी सीरीज प्रोड्यूस करने वाली है। इसके अलावा अगर फिल्म आशिकी और आशिकी 2 के बारे में बात करें तो साल 1990 में आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था। वहीं साल 2013 में आशिकी 2 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर थे, और इस फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।